यूपी के हापुड़ जिले में एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले के मामले में अब तक कई मोड़ सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर ओवैसी ने चुनाव आयोग से घटना की स्वतंत्र जांच करवाने की भी मांग की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गुरुवार शाम एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमला मामले में, जहां एक तरफ पुलिस जांच में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब तक इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि यूपी स्थित फिलखुआ के पास उन पर हमला हुआ है, जिसके बाद ओवैसी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ देर पहले चिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, चार राउंड फायर हुए, तीन से चार लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। वहीं ओवैसी पर हुए हमले की घटना के बाद हमलावर मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए थे। हालांकि एक हमलावर को घटना के थोड़ी देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया था। उसका नाम सचिन है, जो कि ग्रेटर नोएडा स्थित पूर्व सीएम मायावती के गांव बादलपुर का रहने वाला है। वहीं देर शाम फरार दूसरे आरोपी शुभम को भी पुलिस ने गाजियाबाद जिले की सिहानी गेट थाना क्षेत्र से अरेस्ट कर लिया है। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी, जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और दो फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब, गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामिन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ है, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई, तो मेरे ख्याल से तीन से चार राउंड की फायरिंग हुई। वही एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलीबारी के मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर उन्होंने यह हमला किया है। सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर यह घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो, उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है। पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वही हमले के बाद ओवैसी ने ट्वीट किया और मामले की जांच की मांग की है। मैं चुनाव आयोग से इस गोलीबारी की घटना की स्वतंत्र जाँच के आदेश देने का अनुरोध करता हूँ। स्वतंत्र जाँच कराने की जिम्मेदारी यूपी सरकार और मोदी सरकार की है। मैं इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलूंगा। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं। ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ जिले के किठोर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे, जिस दौरान हापुड़ के फिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर चिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान दो युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि घटना की वजह क्या रही ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं एडीजी ने कहा है कि इस बारे में अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।